हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीएससी में एक नया सर्विस लाइव हुआ है। आप एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन में 2300 रुपया कमा सकते हो। 2300 रुपया आपको फर्स्ट में 1000 रुपया मिलेगा, फिर 1300 रुपया बाद में मिलेगा जब आप ये काम कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको जानना है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का कुछ स्क्रीनशॉट हम दिखा देते हैं। इसका जो भी पेपर का कटिंग है, साथ में डिजिटल सेवा पोर्टल में लाइव हो चुका है, उससे भी हम लॉगिन करके दिखाएंगे। ये जो पेपर कटिंग है, इसका पेपर कटिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको काम करना है। हालांकि इसके रिलेटेड सेम इसी तरह का एक सर्विस के बारे में पहले एक वीडियो बना चुके हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ये वीडियो, IAP इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोजेक्ट। सेम इसी तरह का ये सर्विस अभी लाइव हुआ है। हालांकि ये अलग है, लेकिन अभी जो बताने वाला हूँ अलग है। इसमें 2900 रुपया मिलेगा और अभी जो बताने वाले हैं उसमें 2300 रुपया मिलने वाला है। और ये इंस्टेंट मिलेगा, मुझे मिल चुका है। मैं वो भी दिखाऊंगा कि पैसा कहाँ मिला है मुझे। चलिए मैं पूरी डिटेल से बात करता हूँ। सबसे पहले आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक सर्विस देखने को मिलेगा न्यू अर्ली में। यहाँ पर देखो SCST हॉब, यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे यहाँ क्लिक करोगे वी प्रोडक्ट में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये हो सकता है ये लिंक इस तरह से ओपन ना हो, लेकिन जो लिंक ओपन होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका लिंक जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ पर आप अपना CSC ID डाल देना, फिर आपका पासवर्ड डालना। पासवर्ड पता नहीं है तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालोगे। बाई डिफॉल्ट मोबाइल नंबर आपका होता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। फिर यहाँ सिलेक्ट करना होगा एडमिन या वैली, तो आप वैली सेलेक्ट करोगे अगर आप एक वैली हो। फिर लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन में जैसे ही क्लिक करोगे सबसे पहले आपका डैशबोर्ड दिखेगा, आपका पूरा रिकॉर्ड, आपका क्या CSC ID है, आपका क्या नाम है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ दिखेगा यहाँ पर। फिर हम चलते हैं यहाँ पर ECI मेटेरियल में क्लिक करते हैं, वीप में क्लिक करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन ये खुल जाएगा। मेटेरियल में आप क्लिक करें, यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप हिंदी में डाउनलोड करोगे या इंग्लिश में। यहाँ थोड़ा सा टाइम दे, तो यहाँ पर देखो, IAC मटेरियल, तो यहाँ पर आपका सिलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक, या फिर आपका सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा हिंदी। अब डाउनलोड में क्लिक करो, तो यहाँ पर देखिए एक SCST हॉब हिंदी, और यहाँ पर दो बैनर दिया गया है नीचे, SCST हॉब स्टैंड हिंदी, एक है फ्लावर हिंदी। स्टैंड वाले में क्लिक करोगे कुछ इस तरह का एक बैनर निकलेगा। आप इसे कैसे लगाना है और कहाँ लगाना है वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आप देखोगे कुछ इस तरह से आपको एक बैनर मिलेगा, इसे आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट करवाने का मतलब एक बैनर प्रिंट करवाना है। पहले स्टैंड वाला बैनर के बारे में बात करते हैं। ये इसे आप प्रिंट करोगे, एक बैनर बनाओगे और कुछ इस तरह से आपको लगवाना है। यहाँ पर देखोगे, मैं अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये स्टैंड में होगा। आप स्टैंड चाहे आप लकड़ी का बनाओ या फिर सिल्वर का जो स्टैंड होता है वो बनाओ, और कुछ इस तरह से आपके दुकान के सामने लगाना पड़ेगा। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे वाले में। आपको हम दिखाएंगे पैसा कितना दिया है मुझे अभी तक। तो यहाँ पर देखियो फ्लेवर का ऑप्शन है, यहाँ पर हिंदी वाले में क्लिक करो। तो यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो है आपको कहीं लगाना नहीं पड़ेगा, इसको आपको प्रिंट करना पड़ेगा। A4 साइज में प्रिंट करो, 10 करो या 20 करो, लेकिन प्रिंट करो। और कुछ एक प्रोग्राम करना पड़ेगा अपने गांव में, मतलब यहाँ जो जानकारी दिया गया है इस पेपर में, इस बैनर में, इस PDF फाइल में, ये जानकारी आपको लोगों तक पहुँचाना है कि ये आखिर है क्या। ठीक है, ये जानकारी लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आपको प्रोग्राम करना आपके गाँव, अपने अपने पंचायत में। और जो भी A4 साइज में आप प्रिंट करोगे उसे एक एक करके देना पड़ेगा, जितना आदमी रहेगा, जितना लोग आपके साथ रहेगा। मान लो 20 आदमी है तो 20 प्रिंट करो और सबको दो। और कुछ इस तरह से फोटो लेना जरूरी है, फोटो जरूर लेना। आप अपने दुकान के सामने ये बैनर कुछ इस तरह से लगाना पड़ेगा, और दुकान के सामने जो भी बैनर लगाओगे स्टैंड वाला उसका भी फोटो लेना पड़ेगा। दोनों फोटो लेने के बाद आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ अपलोड। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी मैनेजमेंट, यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर एड एक्टिविटी, फिर वीव एक्टिविटी। तो हम वीव में क्लिक करते हैं। जो भी मेरा काम हुआ है मैं उसे सक्सेसफुली अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर देखो जो इंस्टेंट फोटो होगा उसे यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, जो फ्लावर है उसे यहाँ अपलोड करोगे। और जो और एक ऑप्शन था यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ब्रोचर फोटो, इसे भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। फिर रिसीप का ऑप्शन है, मान लो आप कहीं बैनर बनवाएं तो वहाँ रिसीप वगैरह मिलेगा, वो रिसीप यहाँ फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए ये वाला फोटो आपको दिखा देते हैं, हिंदी डाउनलोड।
ये वाला देखिए, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो इसके बारे में लोगों को जानकारी देना पड़ेगा, लोगों को प्रिंट करके ये सब देना पड़ेगा, लोग पढ़ेगा, लोग समझेगा, साथ में आपको भी जो आप प्रोग्राम करोगे कुछ इस तरह का, उस प्रोग्राम में भी आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, मतलब आपको जागरूकता फैलाना है। आप जो भी प्रोग्राम करोगे कुछ इस तरह का, आदमी जो भी आएगा ज्वाइन होगा उसको समझाना है कि ये क्या है। आप एक बार पहले समझ लोगे सारा कुछ पढ़ के, तभी जाके आप लोगों को समझा पाओगे। समझाने के बाद एक एक करके प्रिंट करके दे देना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि आपको सबसे पहले यहाँ लॉगिन कर लेना है और ये सारा बैनर डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने दुकान में लगाना है। सिर्फ स्टैंड वाला लगा लीजिए, ये फ्लावर वाला कम से कम 20 को प्रिंट कीजिए और एक प्रोग्राम कीजिए अपने गांव या पंचायत में, और सभी लोगों को इसके बारे में बताइए और फोटो ले लीजिएगा साथ में। फिर फोटो लेने के बाद यहाँ पर एड एक्टिविटी में क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करोगे वो सारा फोटो, फिर सबमिट करोगे। हालांकि पहले आपको 1,000 रुपया पेमेंट कर देता है, 1,000 रुपया पेमेंट करता है सिर्फ इसलिए ताकि आपको जो भी बैनर वगैरह बनाना पड़े उसका खर्चा आ जाए। फिर ये सब अपलोड करने के बाद आपको फिर से एक अमाउंट मिलता है 1,300 रुपया। तो चलिए अभी हम DGP ओपन करते हैं और आपको दिखा देते हैं मेरा पैसा आया है कि नहीं। फटाफट लॉगिन कर लेते हैं, डाल दिए, चेक किए, स्कैन किए, फिंगर लगाए, OTP भेजा गया। चलिए OTP डालते हैं, यहाँ पर गेट जनरेट OTP आ गया, OTP डाल देते हैं, वैलिडेट में क्लिक करते हैं, तो वैलिडेट सक्सेसफुली क्लोज, ये ऑटोमेटिक लॉग, ये ऑटोमेटिक ओपन होगा। अब यहाँ पर देखोगे, हम चलते पासबुक में और यहाँ पर दिखाएंगे आपको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले, हालांकि मैं 2 दिन पहले 3,500 रुपया पे आउट कर चुका हूँ। यहाँ पर देखिए ये IBF का कमीशन है, ये IBF 223 रुपया, 297 रुपया IBF है। यहाँ पर देखो 992 रुपया जो आया है CHE Academy NGO, लास्ट में लिखा गया है NSSH, तो यही साइड है NSSH का। यहाँ पर देखोगे NSSH, तो इसके लिए मुझे पेमेंट किया है 992 रुपया, मतलब 1,000 रुपया, 8 रुपया पता नहीं कम क्यों दिया है। अब जो भी है 1,000 रुपया आ चुका है। अब जैसे हम अपलोड कर दिए हैं ये सब फोटो वगैरह यहाँ पर, अब इसके बाद जिसे अप्रूव हो जाएगा उसके बाद मुझे फिर से 1,300 रुपया DGPay में आने वाला है। तो ये काम अच्छा है, सिर्फ एक दिन का काम है, आप चाहो तो कर सकते हो और 2,300 रुपया ले सकते हो। हालांकि आपको 1,000 रुपया पहले दिया जाएगा। आप अगर आप झारखंड के अलावा किसी दूसरे स्टेट से हो तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कीजिए कि ये जो डिजिटल सेवा में एक सर्विस देखने को मिलता है यहाँ पर, ये वाला SC ST हॉब, इसमें क्या है और कैसे काम करेंगे, तो एक बार जानकारी ले लीजिए। आप चाहो तो दूसरे स्टेट के हो तो, हालांकि झारखंड में लगभग 15 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है, सभी वेली काम कंप्लीट कर चुका है, सबको पैसा भी मिल चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। एक दिन में 2,300 रुपया आराम से इनकम हो जाएगा, अगर करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।